आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक गांव है जिसका नाम है मल्लारेड्डी। इस गांव को अगर आप वीरों की भूमि या फिर भारत माता की रक्षा में अपनी जान देने वाले बेटों का गांव कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रकाशम जिले के इस गांव में हर घर का लाल आज देश सेवा में किसी न किसी बॉर्डर पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए खड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज चीन पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव तक इस गांव के लोग सीमा पर मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। मुस्लिम बहुल इस गांव में हर बच्चा आंखों में फौज में जाने का सपना लिए सोता है और हर सुबह उठकर उसके लिए नए कोशिशें शुरू कर देता है। प्रकाशम की इस गांव में ज़्यादातर घर से कम एक व्यक्ति सेना में सेवारत है। सेना से लेकर रिटायर हो चुके ऐसे ही एक बुज़ुर्ग मस्तान ने बताया कि मैं श्रीलंका में IPKF का हिस्सा था, करगिल युद्ध लड़ा, राजस्थान में देश की पश्चिमी सीमा पर सेवा करके रिटायर हुआ था। इसके बाद मैंने अपने दो बेटों को सेना में भेजा है। मेरे चाचा के दो बेटे भी सेना में सेवारत हैं। ये हमारे लिए एक गर्व की अनुभूति है। वहीं कासिम अली नाम के एक बुज़ुर्ग जो खुद सेना से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि मैं सेना में भर्ती हुआ था और इलाहाबाद में ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद सिकंदराबाद में ड्यूटी ज्वाइन कर ली, फिर शिलोंग में मैं जम्मू 17 जाट रेजिमेंट का हिस्सा था। ब्रिगेड मुख्यालय में तैनात रहा 24 साल तक। देश की सेवा करने के बाद लेह लद्दाख में आखिरी ड्यूटी के बाद रिटायर हुआ। बेहद गर्व के साथ कासिम अली ने कहा कि अब गांव में वो युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। गांव में कई दिग्गज हैं जो भारत पाक युद्ध, करगिल युद्ध, श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल के संचालन और हाल में चीन के साथ सीमा पर होने वाली झड़प में शामिल रहे। इस गांव में बुजुर्ग बच्चों को देश की सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं और इसे गांव की परंपरा बताते हैं। गांव के नौजवान सेना से सेवानिवृत्त हो चुके बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन में प्रशिक्षित होते हैं। रोप क्लाइंबिंग, रनिंग, बाधा दौड़ यहाँ के युवाओं के लिए पसंदीदा खेल हैं, जो इन्हें सेना की रैलियों में भर्ती के लिए तैयार रखते हैं। आंध्र प्रदेश के किसी भी अन्य गांव की तरह यहाँ के ग्रामीण खेती या अन्य हस्तशिल्प का काम नहीं करते। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव के युवा MCA, MBA, इंजीनियरिंग जैसे उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन भारतीय सेना को ही अपना कैरियर बनाते हैं। सेना में जाने की तैयारी कर रहे ऐसे ही एक शख्स अहमद बशा ने बताया कि अब मेरे पिता सेना से रिटायर हो चुके हैं और मेरा भाई सेना में ड्यूटी कर रहा है। मैं भी सेना में जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इससे मुझे गर्व होता है कि मैं इस गांव का निवासी हूँ। गांव में 86 परिवार रहते हैं और 130 सदस्य वर्तमान में राष्ट्र की सेवा करते हैं और ये पूरा गाँव मुसलमानों का गाँव है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.